ओके, गूगल आयो 2021, आपको पता है अभी कुछ ही देर में 10:30 बजे गूगल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लाइव होने जा रहा है गूगल का एनुअल प्रोग्राम, और इसमें लॉन्च होने जा रहा है दोस्तों गूगल पिक्सल फोन। एंड्रॉयड 12 के बारे में अपडेट है और कुछ बेहतरीन अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बिना देरी किए हम सीधा आते हैं सबसे पहले पॉइंट पे। तो बहुत लोगों को पता है गूगल पिक्सल फोन लॉन्च होने जा रहा है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, गूगल पिक्सल फोन लॉन्च होने वाला है। अभी गूगल पिक्सल 5a या फिर गूगल पिक्सल 6, इन दोनों में से कौन सा तो भी नाम होगा, लेकिन 90% चांसेस है कि गूगल पिक्सल 5a लॉन्च होने जा रहा है। इसकी प्राइसिंग है दोस्तों नियर अबाउट 35,000। इस बार सबसे बड़ा अपडेट आने वाला है, पहली बार गूगल पिक्सल का फोन 6 इंचेस से बड़ा डिस्प्ले देने वाला है, यानी 6.2 इंचेस का डिस्प्ले। ऑक्टाकोर प्रोसेसर होने वाला है, स्नैपड्रैगन 765G के साथ आने वाला है, 6GB रैम का प्राइमरी वेरियंट होगा और बैटरी हमेशा की तरह कम दी जाएगी, 3480 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलने वाली है। और आपको पता है गूगल के कैमरे बहुत बेहतरीन ऑप्टिमाइज रहते हैं, बेहतरीन होते हैं, इसीलिए 12 MP और 13 MP के ड्यूअल कैमरा आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रंट कैमरा 8 MP का होगा, लेकिन हमेशा की तरह वो बहुत यूनिक आपको देखने को मिलने वाला है। अभी इस प्राइस रेंज में बहुत सारे लोग ये फ़ोन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे अलग अलग स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, गूगल पिक्सल फ़ोन क्या एक बेहतरीन फ़ोन बन जाता है? इसमें एक बेहतरीन खासियत है, इसमें मिल जाता है पूरा स्टॉक एंड्रॉयड का एक्सपीरियंस, जो कि आपको हमेशा की तरह बेहतरीन फील देता है दोस्तों। तो ये था गूगल पिक्सल 5a के बारे में। अभी देखते हैं गूगल पिक्सल 5a के नाम से आता है या फिर गूगल पिक्सल 6 से इस नाम से आता है। तो अगली बात करेंगे हम एंड्रॉयड 12 के बारे में। तो बहुत बड़ा अपडेट है गूगल 12 के बारे में। तो गूगल 12 का सबसे बेहतरीन है UI, बहुत बेहतरीन किया गया है इस बार, ज्यादा ग्राफिकल इंटरफेस और बेहतरीन किया गया है। क्लॉक का इंटरफेस या फिर जो टेम्परेचर नोट करता है वो हो गया, अलग अलग कलर्स अलग अलग शेडिंग्स के साथ नया म्यूजिक का विजेट मिलेगा, क्लॉक का नया विजेट मिलने वाला है, वेदर का नया विजेट मिलने वाला है, ऐसे स्मॉल चेंजेस है जो कि पूरे UI को बहुत बेहतरीन और ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। इसमें आपको डार्क मोड भी बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा, और जो वॉल्यूम स्लाइड के बाद जो नोटिफिकेशन आता है वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कुछ इमेजेस भी हमारे सामने आई थी, तो देखते हैं एंड्रॉयड 12 आपको कैसा देखने को मिलता है। और ये ऑलरेडी टेस्टिंग के लिए गूगल के जो पिक्सल फ़ोन है उसमें आया था दोस्तों। अगर आप पिक्सल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको ऑलमोस्ट पता होगा कि एंड्रॉयड 12 का एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। और अगली बात है गूगल के वियर OS के बारे में। बहुत सारे स्मार्ट वॉचेस है जो कि आते हैं गूगल के वियर OS के साथ, इनकी एंड्रॉयड ऐप है उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, कुछ बग्स होंगे, कुछ UI होगा, कुछ वॉच फेसेस होंगे, ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है। और उसी के साथ गूगल असिस्टेंट पे भी ज़्यादा काम किया गया है, ऐसे ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत इनिशियलाइज बूस्ट किया जाने वाला है। तो वो क्या होता है ये सब आपको लॉन्च इवेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन ये 3 हाइलाइट्स थी जो कि बहुत मेन थी। आपको इन तीनों में से कौन से चीज का ज्यादा इंतजार है ये आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हो। अगर आपको कोई बेहतरीन फोन लेना है तो कुछ स्पेशल वीडियोज आपके सामने प्रेजेंट है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो दोस्तों।